नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। बेटा कुर्सियां भी ला दे सारी। नमस्कार, अर्थप्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। हम पहुंचे सेक्टर 24 में, जहां पे ओंकार मार्केटिंग के सामने हम खड़े हैं। रविंदर सिंह बिल्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक एनजीओ है, उसके चेयरमैन हैं। और इन्होंने इस मर्तबा दिवाली पे जो है ग्रीन दिवाली मनाने का फैसला किया है। आइए उनसे जानते हैं कि ये ग्रीन दिवाली का इनिशिएटिव क्या है और किस तरह से ये उनका जो अभियान है आगे बढ़ रहा है। देखो, ये ग्रीन दिवाली पिछले 6 साल से मैं मना रहा हूँ, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो दिवाली है पटाखों से ना चलाएं, प्लांट लगा के घर पे दिवाली मनाएं। क्योंकि जो पटाखे चलाने से जो पोल्यूशन हो रहा है आज की डेट में, प्लास्टिक से पोल्यूशन है, कई जगह पे ऐसे ऐसे पोल्यूशन है जिस वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना काल के दौरान भी सांस लेने में इतनी लोगों को दिक्कत हुई, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली वो सिर्फ ड्यू टू सांस लेने की दिक्कत से। तो ये वातावरण जो दूषित होता है, इस वातावरण से हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हमारी कोशिश यही है कि लोग पटाखे ग्रीन दिवाली बनाएं, पटाखे घर पे पौधे लगाएं, पटाखे ना चलाएं। देखो, पटाखे चलाने से लक्ष्मी आपके घर पे नहीं आएगी। अगर आपने घर सुंदर बनाना है, बाहर प्लांट्स लगाएंगे, तो मेरा ख्याल है लक्ष्मी क्या पूरा देवी देवते सभी आपके घर पर आएंगे। और मेरी ये कोशिश है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप, कहते ना एक आयुर्वेदिक के मुताबिक, सबसे बड़ी निरोगी काया, अगर सबसे बड़ा सुख है तो निरोगी काया। आपकी अगर काया निरोग है, आपको किसी चीज़ का रोग नहीं है, तो आप स्वस्थ हैं, परमात्मा को भी आप याद कर सकते हैं, सारे कार्य भी कर सकते हैं। अगर आप ही स्वस्थ नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप, रिक्वेस्ट है मेरी आपके, हाथ जोड़ के विनती है, ग्रीन दिवाली मनाएं, इन पटाखों से दूर रहे। देखो, पटाखे चलाने के बाद कितनी इंजरी होती है, आप देखो कितनी इंजरी। आप इंजरी से भी बचोगे, ऑक्सीजन भी फ्रेश लोगे और अपना एरिया भी साफ रखोगे। इतना कहता हूँ, सबको संदेश देता हूँ दिवाली का, ग्रीन दिवाली बनाएं और घर पे प्लांट लगाएं और सब खुश रहे। एक आपकी जो एनजीओ है, और किस तरह के जो है कार्य करती रहती है यहाँ पे? देखो, हमारी जो एनजीओ है वातावरण में बहुत एक्टिव है, इसके अलावा बच्चों को पढ़ाती है। हमारी एनजीओ अवेयरनेस के प्रोग्राम बहुत करती है, खास करके लड़कियों को उठाने का बहुत हमारा एक उपराला रहता है कि लड़के उठे, लड़कियों को समाज पीछे ना रहे। और इसके अलावा भी हम खेल जगत से भी मैं जुड़ा हूँ, एजुकेशन से भी मैं जुड़ा हूँ, मेडिकल से भी, लाइन से भी जुड़ा हूँ। कई एनजीओ का और कईयों का मैं ट्रस्टी मेंबर और ट्रस्टी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। तो कुछ ना कुछ हम लोग कार्य करते रहते हैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी, सब लोग अपने एरिए को, अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ बनाएं, खुश रहें और अच्छा वातावरण पैदा करें, जिससे हम सब लोग, हमारी जो आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रह सके। तो ये हमारे साथ थे ओंकार चैरिटेबल ट्रस्ट के रविंदर बिल्ला, जिनका कहना है कि अगर आप निरोग हो तो आपके पास जो है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और दिवाली का जो इन्होंने संदेश दिया, वो ये संदेश दिया है कि आप स्वच्छ तरीके से ग्रीन दिवाली मनाएं, पटाखे मत फोड़ें जिससे कि प्रदूषण फैलता है। अगर आप इस इनिशिएटिव को ले गए तो सारी दुनिया भर में एक बड़ा बड़ा अच्छा संदेश जाएगा और भारतवर्ष बड़ा सुंदर देश बनेगा। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।